अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को दो क्विज दिए थे, शायद दो आए थे ना, एक आया था लोन के बगैर, एक आया था लोन के साथ। उसमें कोई मसला? ये गलत लिखा हुआ था। सही कर दिया था। चलो सही है, सही है, हो तो गया ना, उसके अलावा तो कोई मसला नहीं ना। ओके जी, अब हमने कहानी शुरू की हुई थी, ये गलत था। ओके जी भाई, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी इसलिए। चलें जी, बाकी सही तो कर दिया ना बाद में उसने। चलें जी, ओके। अच्छा भाई, हमने शुरू किया हुआ था इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल। उससे पहले हमने शुरू किया कि भाई अगर आपने लोन लिया है तो उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा। मैंने आपको कहा था जब भी आप लोन लेंगे तो आपकी एक एंट्री बनेगी कैश डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। अच्छा, इसका मतलब ये कि इस पूरी एंट्री के अंदर आपका प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, यानी ये पैसा प्रॉफिट के अंदर शामिल, क्योंकि आप ये कहेंगे सर ये कमाई ही नहीं है, ये कमाई ही नहीं है, ये तो सीधा फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, तो इसको मैं कैश फ्लो में अलग से ऐड करके दिखाऊंगा। याद है, क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। अब आते हैं उसी के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट के ऊपर, आ जाएं जी, देखते हैं। अब हमने ये कहा कि लेट से इसी एग्जाम्पल को मैं लेके चलूं, जो कैश और बैंक का लोन है। हमने कहा था लोन अमाउंट हमारी कितनी थी भाई? 1 मिलियन। अब हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। तो एक तो लोन इटसेल्फ है, उसके अलावा हम ये कहेंगे कि भाई इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट है, तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितने से बनी होगी भाई? 1 लाख रुपए से। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी इस लोन पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है 10% का, वो कितना है? 1 लाख रुपए। सही जी, जो कि लोन पे लगा है। अच्छा भाई, इस एंट्री को देखो क्या। अच्छा देखो, मानिया कह रही है कि सर कैश क्यों नहीं क्रेडिट किया, हमने पहले अक्रूवल बुक किया है। इस अक्रूवल को बुक करने के बाद हम क्या करेंगे? पे करेंगे। सही जी, तो ये समझाने के लिए मानिया, क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे सुनना है। हुआ क्या है कि मैंने पूरा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे नहीं किया, मैंने क्या किया, इसमें से उठा के 80,000 रुपये पे किए, तो मैंने उसकी एक एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 80,000 रुपये से। चलो जी, ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब जब आप सवाल करेंगे तो पहले तो इसका कैश फ्लो का इंपैक्ट समझते हैं। कैश फ्लो का आप मुझे सब लिख के बताएंगे सर, हर चीज अक्रूवल बुक होती है पहले। हाँ, सॉर्ट ऑफ, अब जब इसमें बात करेंगे ना। अच्छा, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट दे दो बस। सही है जी, सबसे पहले इस सवाल के अंदर हमने एक्सपेंस कितना बुक किया है? 1 लाख रुपए का। अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो मेरा मानना यह है कि ये वाली जो अमाउंट है ये चली गई है पीएनएल में। इस बात पे आप एग्री करते हैं? चलिए जी, और कैश में से कितना गया है? 80,000। ये हमने कहा फ्रॉम कैश। अच्छा, अब आपके सामने, आपके सामने आप बनाते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में से प्रॉफिट में से कितना माइनस हुआ हुआ है? 1 लाख। कैश में से तो फर्क है ना, मतलब रिकनसाइल्ड नहीं हुआ हुआ। ये बात भी सही आती है, समझ आती है। सही जी, यानी अगेन मैंने पहले फिनोमिना क्लियर किया है, प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस हुआ हुआ है, कैश में से 80,000, यानी भी फर्क है कितने का? 20,000 रुपये का। अच्छा, अब आप जरा बताएं, अगर मैं ये कहूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये माइनस हुआ हुआ है, ऐसा ही है, और कैश में से 80,000 माइनस हुआ हुआ है, ऐसा ही सीन है ना? तो अगर ये सीन हुआ हुआ है तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहां पे
20,000 लिख दूं किस नाम पे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड, तो ये गलत है क्योंकि असल में इंटरेस्ट पे कितना हुआ है, 80,000। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं यहाँ पे नेट बेसिस पे दिखाऊंगा तो पिक्चर सही आएगी गलत आएगी? देखो रिकनसाइल तो हो जाएगा, पर आप इनफ्लो आउटफ्लो दिखाने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर से कितना माइनस हुआ है, 1,00,000 रुपये, नीचे से डिफरेंस कितने का, 20,000। अच्छा अगर 20,000 रुपये ऐड करूँगा ना रिकनसाइल करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा इंटरेस्ट मिला है, नहीं यही बात समझ, ऐसा लग रहा है कि उल्टा इंटरेस्ट मिला है ना कि दिया है, जहाँ तक क्लैरिटी ऑनलाइन तो जल्दी बताओ। हाँ प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो उसका मतलब ये वाला मामला तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। अब इसको करने के लिए आपने एक चीज़ करनी है, आपने कहा कि भाई अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, सिर्फ इसी का इम्पैक्ट अगर हम समझें, 80,000 रुपये बल्कि ऊपर 1,00,000 है, ये माइनस हुआ हुआ है, कैश में से कितना, 80,000 ये हुआ हुआ है। ये स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि पहले आप एक काम करें, एडजस्टमेंट पार्क करें, आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा IFRS की जबान में, मार्केट की जबान में इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी कहा जाता है, फाइनेंस कॉस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो फाइनेंस कॉस्ट हो बात एक ही है, सही है जी। अभी हमें एक एक करके कॉन्सेप्ट को जोड़ना है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई अब सबसे पहले 1,00,000 रुपए यहाँ पे ऐड बैक कर दें, अच्छा 1,00,000 रुपए ये ऐड बैक करने से इसका इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, है मैं तो सिर्फ इम्पैक्ट जीरो कर रहा हूँ, जैसे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल में किया था, बात क्लियर है? अच्छा फिर एक और बात, फिर वो कहता है इसी के बाद आप यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारी एडजस्टमेंट्स, अच्छा आप मुझे बताएं सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको क्या मिल गया था, वेरी गुड, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी बिजनेस से आया हुआ पैसा, इस केस में वो कितना है, जीरो है। बोलता है जब आपने ये बता दिया पूरे सवाल के अंदर कि मैंने बिजनेस से इतना पैसा लाया, तो उसी आए हुए बिजनेस के पैसे में से अगर आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया फिर वो माइनस कर दो। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको जरा मैं नीचे लेके गया और मैंने कहा कि सर यहां पर मैं लिख दूंगा अब इंटरेस्ट पेड कितना जी, 80,000। इसके बाद जो आएगा ना आंसर उसको मैं कहूंगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रिकनसाइल्ड है क्योंकि आंसर तो नेगेटिव ही आया ना, तो मैं कह रहा हूं कि भाई नेट कैश मेरे ऑपरेशन से गया है यानी वापस से। ये पूरी सूरत हाल आपको ये बता रही है कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर 1,00,000 रुपये माइनस हुआ था एक्सपेंस की वजह से, तभी पहले आप लोगों को मैंने ये अकाउंटिंग सिखाई ऊपर, क्लैरिटी है? अच्छा मैंने इसको पहले जीरो कर दिया, इम्पैक्ट को जीरो किया, मुझे पता है प्रॉफिट में से माइनस हुआ हुआ है कितना, पे हुआ है कुछ और, माइनस हुआ है कुछ और पे हुआ है, तो आपको पेमेंट माइनस करनी है एक्सपेंस माइनस करना है, पेमेंट तो एक्सपेंस को जीरो करना होगा पहले, वरना कितनी बार हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, और नेटिंग पे नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन गलत है, अदरवाइज ये लगेगा कि इंटरेस्ट देने के बजाय इंटरेस्ट आया है, ये भी बात समझ आती है। ऑनलाइन तो जल्दी बताओ यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बच्चों, ओके गुड। फिर हमने क्या किया, जैसे हम डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करते हैं, गेन की एडजस्टमेंट करते हैं, लॉस की एडजस्टमेंट करते हैं, आज के बाद इसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे, पर आप सबको ये बात तो बखूबी पता है ना कि जब मैं ये सारी एडजस्टमेंट्स पार्क करता हूँ, इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई ये ऑपरेशन से हट के चीज़ें होती हैं इसको एडजस्ट करो। अच्छा जल्दी एक एक करके बता दो, डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक करता हूँ,
नॉन कैश है, गेन को क्यों ऐड बैक करता हूँ, लेस करता हूँ, सॉरी दो बार हो जाएगा, लॉस को क्यों मैं एडजस्ट करता हूँ ऐड बैक, तो सीज में भी वहां पे भी, तो इम्पैक्ट जीरो करने के लिए, यानी ये सारे इम्पैक्ट अगर हटा देता हूँ मैं तो मैं पहुंच जाता हूँ कैश फ्रॉम, तो यहाँ पे भी यही हुआ। अच्छा एक और चीज, एक और लॉजिक देता हूँ ताकि आपका दिमाग क्लियर रहे, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या ऑपरेशंस का एक्सपेंस है या ऑपरेशंस के अलावा है? ऑपरेशंस के अलावा है ना, माल खरीदने वगैरह के लिए तो नहीं है ना, ऑपरेशंस के। देखो एक और रीजन भी है इसको ऐड बैक करने का, जो खर्चे ऑपरेशंस के अलावा माइनस हुए हुए हैं आप उसको क्या करो, ताकि आप ऑपरेशंस पे पहुंच जाओ, यानी आप ये समझें कि मैंने कुछ कमाया उसमें से ऑपरेशंस के अलावा खर्चे माइनस किए, तो जो खर्चे ऑपरेशंस के अलावा माइनस किए हुए हैं वो ऐड बैक करेंगे तो आप ऑपरेशंस पे पहुंच जाएंगे। एक और लॉजिक ये भी है, पर इसकी प्योर लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो ये है कि भाई सिंपल रखो, एक्सपेंस होना अलग बात है, पे होना अलग बात है, तो एक्सपेंस ऊपर अलग हुआ हुआ है, पे अलग हुआ हुआ है, तो पहले एक्सपेंस को जीरो करो, पेमेंट दिखा दो, क्योंकि आप बना रहे हैं कैश फ्लो, सही है जी। अच्छा हमने क्या किया, एक्सपेंस को जीरो कर दिया ऐड बैक करके, फिर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जल्दी बजा मुझे क्या मिल जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा आज के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से आप देखेंगे कहीं कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं हुआ, उसके बाद क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, या आपने पेमेंट माइनस कर दी, आपने कहा अब मेरे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आउटफ्लो, और मेरा नीचे था भी कितना आउटफ्लो, क्या ये मैच हो गया, पक्की बात है। अच्छा जी आप पहले ऑनलाइन कर लो, यहाँ तक कंफर्मेशन देखो, ये लॉजिक क्लियर है, फिर हम देखते हैं एग्जाम में कैसे आएगा ये, जल्दी बताओ, ओके गुड। अब आओ देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से आएगा ये, फोकस के साथ। आपको एग्जामिनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देगा, सही है जी। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो आपको फाइनेंस कॉस्ट देगा, कितने की भाई, 1 लाख रुपए की, ये माइनस हुई भी होगी आपके पूरे प्रॉफिट में से, ये माइनस हुई भी होगी ना, मैं कह रहा हूँ सेल्स भी होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होगी, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल सब होगा, बस उसके साथ साथ ये भी होगा। चलिए जी फिर आपके पास एक बैलेंस शीट होगी। अच्छा बैलेंस शीट के अंदर आपके पास लेट से 2023 और 2022 ये दिया हुआ होगा। अगेन बात समझिएगा, बैलेंस शीट में आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेबल, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, आपके सामने बचा भी 20 ही था, 1 लाख का पेबल बना था, 80 पे हुआ था, 20 मैंने उस अकाउंटिंग को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये होगा, ये आपके बैलेंस शीट में मौजूद होगा ना, और वो पीएनएल में। अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप बनाएंगे डी अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल का, क्या ये लायबिलिटी अकाउंट है? अच्छा प्लीज सुनिएगा, ओपनिंग इसका था 0। अच्छा आप जरा फोकस होकर देखिएगा, एक बात मुझे समझाइएगा, अभी मैंने पूरी एग्जांपल दी ऊपर, क्या इस बात को मानते हैं एक्सपेंस की वजह से ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी? एक्सपेंस की वजह से ये लायबिलिटी, ये देख लो, ये रहा एक्सपेंस की वजह से आपकी जो ये लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, चेक कर लो, इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, अगर मेरे पीएनएल के अंदर मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखता है तो क्या वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इस इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट से लिंक करता है? यस, क्योंकि उस इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज हुआ होगा फॉर द ईयर में।
तो मैंने कहा मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस उठा के रख दिया कितने का, 1,00,000 रुपए का। वो ये आ गया आपके पास, स्क्रीन नहीं हुई ऊपर, एक मिनट भाई। अब हो गई, अब आ गया ना, ये 1,00,000 रुपए का मैंने ऊपर रख दिया ये, यहाँ क्लियर है। अच्छा भाई फिर मैंने देखा इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है, 20,000 रुपए। अच्छा भाई अब आपको ये देख के समझ आएगा यार ओपनिंग कुछ भी नहीं था, इस साल पे करना था कितना, बच कितना गया, बाकी पे हो गया। अच्छा पे हो गया तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे आप कैश की फिगर दिखा देंगे, ये आपको इस अकाउंट से मिल जाएगा। अच्छा तुम लोगों से अगर लॉजिकल बात कहूँ, वापस से रिपीट करता हूँ, देखो भाई इस पूरे सवाल में मैंने आपको सिखाया हुआ हुआ क्या है, एक्सपेंस बुक हुआ है 1,00,000 का, पे हुआ है, बच कितना गया है, 20,000 रुपए। ये हिसाब किताब हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ ये हिसाब किताब की प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट और पीएनएल में ऐसे हुई हुई होगी, अकाउंटिंग हो चुकी होगी। तो पहले मैंने अकाउंटिंग सिखाई फिर उसकी प्रेजेंटेशन सिखाई ताकि आपकी मैपिंग रहे, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, फिर हमने कहा जब आप एग्जाम में बैठे हुए होंगे तो एग्जाम में आपको अगर सवाल के अंदर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट दिखता है किसका, तो इसका मतलब क्या है जरा ये समझ लो। इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट का मतलब ये है कि कुछ इंटरेस्ट बुक हुआ है पे नहीं हुआ, कुछ इंटरेस्ट बुक हुआ है पे नहीं हुआ। हमने कहा लेट्स प्रिपेयर अकाउंट, हमने अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, सवाल में गिवन था। फिर मुझे याद आएगा ये मेरा ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल किस वजह से इंक्रीज होगा, एक्सपेंस की वजह से, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, ऐसा ही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। अच्छा एक बच्चे ने कहा कि सर एक्सपेंस की वजह से इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, नहीं एक्सपेंस की वजह से इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज होता है। ये देखो ये रहा आपके सामने, मैं जितना इंटरेस्ट बुक करूंगा मेरे बच्चों अली अब्बास मेरा उतना इंटरेस्ट पेबल इंक्रीज होगा। आपके सामने की बात है भाई, खुद सोचो आपने लोन लिया है, सामने वाला बैंक आपको कह रहा है कि भाई आपने मुझे 10% का सूद देना है, तो जितना इंटरेस्ट मैं बुक करूंगा उतनी मेरी लायबिलिटी, पर क्या वो लोन लायबिलिटी होगी या इंटरेस्ट लायबिलिटी, क्योंकि लोन की लायबिलिटी अलग है उसके ऊपर आने वाली इंटरेस्ट की लायबिलिटी अलग है, दो अलग अलग बातें हैं। क्लियरिटी है अली अब्बास, क्लियर है जल्दी बता दो। तो हमेशा इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से मेरा इंटरेस्ट पेबल इन्हांस होगा। चलिए जी, हमने ये कहा कि भाई हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे डाल दिया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। मैंने देखा कि भाई एक्सपेंस, अच्छा ये एक्सपेंस मुझे कहाँ पे दिखेगा, पीएनएल में दिया हुआ है ना, हमने कहा भाई उसके हिसाब से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इतने से फॉर द ईयर में एक साल में इतने से इंक्रीज हो गई होगी। तो मैंने कहा क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, 20,000, पे कितना हो गया, तो ऐसी बात है। आप खुद सोचो जो इस साल में एक साल में पीएनएल में 1,00,000 बुक हुआ है, बचा 20 है, तो पे कितना हो गया, 80,000। अब आपको फिगर्स मिल गई, अब आपको एक बात समझ आई कि भाई एक्सपेंस हुआ 1,00,000 का, पे हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, पे हुआ है, आप दिमाग चलाने लग गए कैश लोगे उस पर। आपने कहा यार ऊपर से माइनस हुआ हुआ है 1, कैश में से माइनस हुआ हुआ है 80, तो मुझे कैश लो में माइनस कितना करके दिखाना चाहिए, कैश लो में, कैश लो में कितना माइनस दिखना चाहिए जाता हुआ, 80,000, कैश लो में 80 दिखना चाहिए ना, आउटफ्लो, आउटफ्लो। मैं कह रहा हूँ वापस से ऊपर से कितना माइनस हुआ हुआ है, कैश में से, तो असल में कैश फ्लो में कितना माइनस होते हुए दिखना चाहिए, 80,000। तो हम दिखाएंगे भी कितना, पर मुसीबत यह है कि अगर 1,00,000 ऊपर से ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, 80 वापस माइनस करूंगा तो 1,80,000 हो जाएगा। पहले उस एक्सपेंस को जीरो कर दो एड बैक करके, शेयर होल्डर को बताओ भाई तेरा एक्सपेंस ये था, मैंने उसका इम्पैक्ट जीरो किया, जो तुमने पे किया वो अलग से दिखा दिया। पहले तो बात समझ आई, तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड पेएबल। कॉपी करें इसको, हाँ अब देखो ये अच्छा सवाल है, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, आप सब भी बताओगे फौरन से बिल्कुल लॉजिक के साथ, तुम भी बता सकते हो। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,00,000 का है और मुझे मेरी बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट नहीं दिखता, वापस पूछ रहा हूं, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,00,000 रुपए का, ये तुम्हें कैसे पता लगेगा,
पीएनएल से, वेरी गुड, पीएनएल से। अब हम सही बोलेंगे, खर्चे एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर इंटरेस्ट पेबल नहीं दिख रहा मुझे तो जो एक्सपेंस है वो पे हो चुका है? Yes, कोई पंगा नहीं। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट कोई पंगा नहीं है? जब पेबल का अकाउंट नहीं होगा, इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट नहीं होगा। क्लैरिटी है? ये बात याद रखना। चलिए जी, गुड। इसको करें, पूछना है कुछ? हाँ, नीचे माइनस कर देंगे। हाँ, पर पूरी पूरी अमाउंट से। हेडिंग डाल दें वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, इसको हम जरा सही से समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब है बिजनेस या ऑपरेशंस में फंसा हुआ पैसा, बिजनेस या ऑपरेशंस में फंसा हुआ पैसा। सही जी, इसको हमें बहुत क्लैरिटी से देखना है क्योंकि अब ये कैश फ्लो के एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं हम। अच्छा, अब तक लमसम बताऊं तो क्या क्या सीख लिया हमने? डेप्रिसिएशन पीपी की, एक्विजिशन पीपी की, डिस्पोजल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, और फिर हमने सीखा फाइनेंसिंग के अंदर लोन का लेना और उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें भी आते हैं, एक एक करके हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, पहली बात मैंने लिखी हुई है कि ये बिजनेस या ऑपरेशंस में फंसा हुआ पैसा है। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। हम वर्किंग कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये बात बहुत अहम है पता होने के लिए, अदरवाइज ये इंपैक्ट्स नहीं समझ जाएंगे। देखो मैंने क्या लिखी है यहाँ पे बात, हम वर्किंग कैपिटल को यूज करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। ये बड़ी अहम बात है इसके लिए। अच्छा, अब तक जरा मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, अगर आपने ये बात ब्रीफली अगर मेरी पिक कर ली तो आगे के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे ऑनलाइन वालों सब और आप लोग ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इससे पहले जितने भी मैंने सवाल किए, आपने ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखी थी कि हमने 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेची ऑन कैश, 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेची ऑन कैश। ऑनलाइन वाले पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेची ऑन कैश। अच्छा, जब 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेची थी कैश के ऊपर, तो सेल्स में भी 5 लाख है, इनकम में भी 5 लाख है और कैश में भी 5 लाख है, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल था। ये मैंने पहले भी बताया था। पर व्हाट इफ मैं कहूं कि इसमें से 2 लाख रुपए रिसीव नहीं हुए, 2 लाख रुपए रिसीव नहीं हुए, तो अब मैं ये कहूंगा कि सेल्स तो पूरी बुक हुई है 5 लाख रुपए की, सेल्स तो पूरी बुक हुई है 5 लाख रुपए की, बट 2 लाख रुपए अब तक रिसीव नहीं हुए। तो जो 2 लाख रुपए रिसीव नहीं हुए वो मेरे पैसे फंस गए बिजनेस की वजह से, वर्किंग कैपिटल की वजह से। तो उसको जब तक आप एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये देख लो, ये एग्जांपल, हम वर्किंग कैपिटल को यूज करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा ही है, यानी कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। सही है जी, यहां तक क्लैरिटी है? आओ जी, इसकी एक इलस्ट्रेशन बनाए ताकि तुम लोगों को समझ आए। हुआ ये कि कंपनी के पास
कैश एंड बैंक बैलेंस मौजूद है ओपनिंग 2022 का, लेट से आप कह लें 6 लाख रुपए, सही है, और पीपी मौजूद है 1. मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यहाँ पे बता दूँ तो तुम्हें एक कनेक्टिविटी आ जाएगी, सही जी। अच्छा, हमने कहा अब चल रहा है 2023, आप लोग इसमें कैलकुलेटर पे हेल्प कीजिएगा मेरी। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इस साल पीपी हमारे पास 1 मिलियन का रह गया। अच्छा, अगर आपने बता दिया मज़ा आ जाएगा। मैं कहूँ अगर कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो पीपी कम कैसे हो गया? ओनली डेप्रिसिएशन। बात क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है? ओनली डेप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन की वजह से ये क्या हो चुका है? कम हो चुका है। ये बात तो सीधी सीधी हो गई हिसाब किताब, सही जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नॉन कैश है, पीएनएल में चार्ज हो चुका होगा, तो आपका दिमाग चल रहा है सीक्वेंस में कि हाँ भाई ये हो चुका है, क्योंकि कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। अच्छा, हुआ क्या ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने माल परचेस किया। अच्छा, हमने भाई माल परचेस किया तो हमने एक एंट्री बनाई, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, सही है। हमने कहा कि भाई हमने माल परचेस किया है कोई 1 लाख रुपए का, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कैश कितना गया? 1 लाख रुपए, यही माल उठा के मैंने बेच दिया। COGS डेबिट, कितने से भाई? ये आ गया। अच्छा, मुझे बताओ जब तक ये माल बिका नहीं था तब तक ये एक्सपेंस नहीं हुआ था, अब बिक गया तो मैंने कहा जो माल मैंने बेचा है उसका खर्चा इतना था, तो अब अगर तुम लोग मुझे बताओ पीएनएल में से कितने माइनस हुए हैं? 1 लाख। कैश में से कोई फर्क नहीं है, चलें जी ये भी बात समझ आती है। फिर हमने ये कहा कि भाई हमने सेल की तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, यही बेचा है ना हमने, हमने ये बेचा है 350 का, क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा इसमें से इस वाली फिगर में से, सही जी, मुझे 3 लाख रुपए मिल गए, तो कैश डेबिट ये हो गया। अच्छा, अब मैं बैलेंस शीट में आया और बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्या सही किया मैंने? यही होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में आ गया होगा, कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा भाई, और मेरा दिल ये कहता है कि मेरे पास कैश के अंदर जो फिगर होगी, सही जी, वो 8 लाख रुपए होगी एज एड के ऊपर। कैसे? आप कैलकुलेट कर लें, 6 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए माइनस करो माल खरीदने के 5 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए सेल्स क्या है? 8 लाख रुपए, ये हो गया। अच्छा, समझाने का मतलब तो बच्चों ये कि ये हो चुका होगा, आपको तो पता होना चाहिए बस, और इसके बाद आपने क्या बनाना है? कैश लो। पहले बताओ इम्पैक्ट समझ आ गया क्या क्या हुआ हुआ है? पक्की बात है, ऑनलाइन वालों प्लीज़ कन्फर्मेशन दे दो, ये आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि हुआ हुआ ये है। ओके, गुड। अच्छा भाई, अब आगे हमने ये कहा कि भाई अगर आप पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल में सेल्स कितने की बुक हुई हुई है? पैसे मिले या ना मिले, सेल्स तो सेल्स है। ये कितना आ गया? हाँ जी, ये आ गया, ये हो चुका होगा। अब आपने क्या बनाना है? कैश फ्लो। अच्छा, अब हम आ जाएं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो के अंदर आप शुरू कहाँ से करेंगे? इसके अंदर क्या पार्क होती है? अब देखो सिखाता क्या हूँ। हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट पार्क की।
अब मैं आपको उसे समझाने के लिए यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, क्या इस बात को मानते हो जैसे ही आपने इसमें नॉन कैश की एडजस्टमेंट की तो आपको ये मिल गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का? देखो था भी यही, हम तो ये कहते हैं ना कि जो मसला होता है वो नॉन कैश का होता है, उसको अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा, पर यहां पे मैं कह रहा हूं कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि अब फर्क है कैश और प्रॉफिट में फर्क है ड्यू टू रिसीवेबल्स, ड्यू टू पहले क्यों नहीं था, रिसीवेबल ही नहीं था पहले, रिसीवेबल ही नहीं था पहले, बताओ ऑनलाइन वालों आप सब यहां तक लॉजिकली कनेक्टेड हो, देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक बात की मैंने, मैंने कहा क्योंकि यार देखो इतना लेंदी कैश फ्लो है और अगर आप इसको लॉजिकली नहीं समझोगे तो फजूल है ना, तभी तो बच्चा नहीं करके जाता और ना उससे होता है, पर आई होप कि अगर आपने जितने भी अभी क्वेश्चंस किए एटलीस्ट उसमें सेंस चल रहा होगा, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आपने पार्क करना सीख लिया तो उसको भी लॉजिकली समझने। खैर डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद इस बात पे तो ईमान रखते हो ना कि यानी नॉन कैश को एडजस्ट करने के बाद मैं आज से पहले पहुंच जाता था कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे, अब मैं उसी को कह रहा हूँ क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो जो मैंने कमाया है उसमें से भी कुछ पैसे नहीं आए, उसमें से भी कुछ पैसे नहीं आए, तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि वंस यू हैव अराइव्ड एट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा इसकी सब हेडिंग नहीं आती है, खाली मैंने लिखा है साइड में समझाने के लिए, उसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे एडजस्टमेंट्स करने के बाद, क्या करने के बाद, अच्छा एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, अच्छा हमने कहा फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बात समझिएगा, वो सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आई एफ आर एस में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाने के बाद आपको आई एफ आर एस ये कहता है इफ यू सी दैट योर रिसीवेबल्स हैव इंक्रीज्ड, इफ यू सी योर रिसीवेबल हैव, तो आपके रिसीवेबल जितने से इंक्रीज होंगे उतने से ये माइनस कर दो, अब लॉजिक बताता हूं, ये तो वरना हवाई बात हो गई ना, वो बोल रहे अगर आपके पास आपको रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ देखे, अगर आपके पास आपको रिसीवेबल, मैं सवाल में गया मैंने बोला अच्छा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, ओपनिंग जीरो है क्लोजिंग कितने से बढ़ गया 50,000 रुपए से, वो बोल रहे जितने से आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो उतने से माइनस कर देना, लॉजिक दे रहा हूं, वो बोल रहे रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब यह है कि इतने की सेल हो गई और पैसे नहीं आए, ये फॉर द ईयर की मूवमेंट ही है ना, तो आपको ये स्टैंडर्ड सिंपल जबान में कह रहा है कि आपके रिसीवेबल इंक्रीज इन रिसीवेबल्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो इन वर्किंग कैपिटल, इन वर्किंग कैपिटल, फिर लॉजिक दे रहा हूं आपके सामने, वो खुद कह रहा है बोल रहा है भाई रिसीवेबल जितने से इंक्रीज होगा इसका मतलब ये है कि आपको दिमाग चलाने की ज्यादा होशियारी करने की नीड ही नहीं है, जितने से रिसीवेबल इंक्रीज होगा उतने से माइनस कर दो, और लॉजिक के साथ कि ये वो पैसे होंगे जो सेल में तो बुक हो गए बट कैश में बुक नहीं हुए, तो जितने पैसे नहीं आए ये वही तो हैं, इसको क्या करो माइनस कर दो, ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात समझ आती है जल्दी से, तो हमने यहां पे इंक्रीज इन रिसीवेबल कितना है भाई, अब आ गया मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितने का है जी 2,00,000 रुपए, अच्छा अब आपके सामने की बात रखता हूं मैं, आप अपने कैश फ्लो का चेंज ले लो 6,00,000 से किस पे आए हो, जेब में कितने आए, वो ऑपरेशन से ही आए थे ना, ना इसमें कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना कोई इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और वैसे लमसम भी देख लो 1,00,000 का माल खरीदा था 3,50,000 का बेचा था, पैसे कितने आए थे 3,00,000, तो नेट कितने हो गए, यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं, तो वो सिंपल कह रहा है भाई पहले अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में कुछ पैसे फंस गए, इस सवाल में जवाब आता है यस, कैसे पता फंस गए, रिसीवेबल को देख के, तो आज से पहले क्यों नहीं था, आज से पहले रिसीवेबल ही नहीं था, तो यानी हम एक बात को समझ लें, आज कंक्लूड कर लेते हैं, आज के बाद हम जितनी भी एडजस्टमेंट्स करेंगे उन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद वी नो द फैक्ट दैट वी विल अराइव एट
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ना के अच्छा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल कब कहूंगा, जब वर्किंग कैपिटल ना हो। तो हमने जैसे ही एडजस्टमेंट की आपके सामने, मैंने बताया कि हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गए। फिर मैंने अपने शेयर होल्डर को बताया कि भाई नॉन कैश को एडजस्ट करने के बाद भी एक और मसला है, तुम्हारे इतने पैसे नहीं आए और वो रिसीवेबल का इंक्रीज है। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ से माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया तो मैंने अपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कन्वर्ट कर दिया कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। पहले तो कहानी समझ आई। अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन के अलावा लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो वो भी एडजस्ट होता, गेन ऑन डिस्पोजल होता, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता वो भी एडजस्ट होता। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप पहुंचते और फिर उसको कन्वर्ट करते किसमें, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। तो यानी ये लॉजिक समझ आ गई कि जब भी आपके रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे वो लेस होंगे, और उसकी प्योर लॉजिक ये है कि रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब है वो सेल हो गई और पैसे, तो सेल हो गई प्रॉफिट में तो है ना, और कैश में नहीं है। तो प्रॉफिट में है कैश में नहीं है तो मैं क्या करूं, माइनस कर दूं। तो ये सॉर्ट ऑफ एक एडजस्टमेंट है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर प्रॉफिट इनटू कैश। ऑनलाइन लो, जल्दी बताओ कोई मसला, जल्दी से। ये पूरे ऑपरेशंस की नेटिंग है, जल्दी से सारे बच्चे, बाकी कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा अब हम जरा कैश फ्लो के फॉर्मेट पे आए वापस, जो हमने चार चुरंगियां दूध छोड़ के आए थे उसको। ये रहा, पहले तो आज की क्लास में हमने ये सीख लिया इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। हमने भी क्या किया, लॉजिकल बात थी इंपैक्ट जीरो करने के लिए। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस किया हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, क्या हुआ हुआ है। लॉजिक समझ आ गई कि भाई आप अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, जो पैसे नहीं आए उसको माइनस कर दो। आप बोल लो कमाए हुए तो हैं पर उस कमाने के बाद भी ये पैसे, तो आपने हटा दिया उसको। लॉजिकली क्लियर हो। हाँ जी सर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वर्किंग कैपिटल के बाद शो होंगी, नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद। पहले पूरा ऑपरेशंस का कैश बताओगे ना कि क्या है, उसके बाद न्यू एक्टिविटी है। कौन सी, इन्वेस्टिंग। आप पहले बोलते हो मैंने बिजनेस से कितना लाया, फिर इन्वेस्टमेंट्स में कितना लगाया, और फिर फाइनेंसिंग कितने की ली। बात समझ आ रही है, तो कितनी एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पर इन्वेस्टिंग आप वर्किंग कैपिटल के बाद नहीं शुरू करते, कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के बाद। क्लैरिटी है, चलें जी अब आ जाओ आगे, ये कॉपी कर लो आप लोग। ये था, ये नहीं, साथ हमने उसी वक्त नहीं किया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर हमने उसी वक्त नहीं किया, साल के आखिर में किया। तो जब मैंने एंट्री बनाई होगी तब तो अक्रूवल बुक करूंगा ना। ये तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना कि पहले अक्रूवल में डालिएगा और फिर वहां से पेमेंट निकालिएगा, ताकि आपको कैश और एक्सपेंस दोनों मिल जाए। सही है, मैं उतना तो सिंपल भी कर सकता था, एक्सपेंस देखता और देखता बचा हुआ कितना है, दोनों का डिफरेंस पेड है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हो ना साथ, सही है। तो वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि व्हेनेवर यू सी द इंटरेस्ट, हाँ व्हेनेवर यू सी द इंटरेस्ट, तो आप सिंपल एक काम करें, उसको पहले इंटरेस्ट पेबल के अकाउंट में डाल दें और देखें उसमें से बचा हुआ कितना है, तो बाकी आपको पेमेंट मिल जाएगी। और आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, देखेंगे भाई एक्सपेंस कितना है, बचा हुआ कितना है, बाकी पे हो गया। हाँ ये गलत लिखा हुआ था उस पागल ने, पर सही हो गया था बाद में क्विज में, यह सही हो गया था ना। सही है, उसमें मसला क्या था वैसे, ये जो फोर्थ क्विज था ना, उसमें जब उन्होंने अपडेट अपलोड किया था उसी टाइम ही मैंने मतलब सॉर्ट किया, तो जो क्लोजिंग बैलेंस था ना, तो वो क्लोजिंग बैलेंस का ऊपर ये गलत लिखा हुआ था, नहीं क्लोजिंग बैलेंस ही गलत था फोर्थ क्विज में। सही है, उसी टाइम मतलब सॉर्ट आउट कर दिया था जल्दी, लेकिन थर्ड क्विज था उसमें ये तो मसला था। सही है, अगर हम लोन पेबल का मतलब इंपैक्ट नहीं ले रहे थे ना, तो जो मतलब नेट कैश फ्लो है वो सही आ रहा था। सही है, अगर ले रहे थे तो सही नहीं आ रहा था। ओके,
हाँ वो उसमें मिस्टेक होगी तो उसको सही करवा लिया होगा ना उसने। डेप्रिसिएशन का जो एक में मसला था क्या, एक सवाल में डेप्रिसिएशन का तो कोई इश्यू नहीं था ना, वो तो सही था। मैं खुद दे दूंगा आप बना, सॉर्ट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ तो आपको इसमें कोई गलती नहीं दिखेगी। ये देख लो भाई, बैलेंस शीट दी हुई है, पीपी दिया हुआ है, कैश इन बैंक दिया हुआ है और डेटर्स दिए हुए हैं। डेटर्स देने का मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल है, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल नहीं है। अच्छा, इसमें रिसीवेबल आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेल हुई है और पैसे यानी मजीद पैसे फंस गए इस साल, तो फॉर द ईयर की सेल में जो पैसे फंस गए वो आप क्या करेंगे, माइनस। इंक्रीज इन रिसीवेबल विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्टेड। आगे जी, ओके अब आगे सेल्स दी हुई है, जीपी डेप्रिसिएशन गेन ऑन डिस्पोजल भी दिया हुआ है, तो यानी इस सवाल के अंदर आज तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सही जी। तो ये मैं आपको इसी में चिपका के दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद आई थिंक आपकी क्लास भी है तो वो लीजिएगा, सही है जी। तो इसी यही सॉर्ट ऑफ तुम्हारा होमवर्क है, इसको आप करके आना, फिर हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है जी। चलें जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।